फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल गार्निश किचन में। आज मैं गार्निश किचन में आपके लिए लेके आई हूँ मखाने की बर्फी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है, और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए ना तो आपको मावे की जरूरत पड़ेगी, ना ही चाशनी बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बर्फी को जमाने की जरूरत पड़ेगी। आप इसको तुरंत ही बना के खा भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी का डालेंगे। अब इसके अंदर हम 100 ग्राम मखाने डालेंगे और उसको मंदी मंदी आंच पे हल्का सा कुरकुरा होने तक भूनेंगे। ध्यान रहे, हमारे को यहाँ पे मखानों को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इनको हल्का सा क्रिस्पी करना है। दोस्तों, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैंने नवरात्र स्पेशल के अंदर बहुत ही सारी ऐसी रेसिपीज डाल रही हैं जो कि आप व्रत के अंदर खा सकते हैं। इसलिए अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे मखानों को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मखाने थोड़े से कुरकुरे होना शुरू हो चुके हैं। अब इनमें से हम एक मखाना लेंगे और उसको तोड़ के देखेंगे ये अंदर से कुरकुरे हो चुके हैं या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदर से हल्के से कुरकुरे हो चुके हैं। अब इसको हम एक अलग प्लेट पे निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसी पैन के अंदर 15 से 20 काजू लेंगे और उनको भी हल्का सा भुनेंगे। यहाँ पे हमारे को काजू को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भुनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काजू हल्के से भुन चुके हैं। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसको भी अलग से प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर भुने हुए मखानों को डाल देंगे और इसका बिल्कुल पाउडर होने तक इसको अच्छे से पीसेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मखानों को अभी सिर्फ आधा ही पीसा है। अब इसके अंदर हम भुने हुए काजू भी डाल देंगे और उसको भी इसी के साथ अच्छे से पीस के पाउडर बना के रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मखाने और काजू का बिल्कुल महीन पाउडर बना लिया है, जैसे कि आटा होता है। ये जितना ज्यादा क्रिस्पी होगा इसका पाउडर उतनी ही जल्दी बनेगा। अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अगर आपको बर्फी के अंदर काजू पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं, लेकिन काजू डालने से आपकी बर्फी बिल्कुल काजू कतली लगेगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने काजू और मखाने के पाउडर को एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब इसके अंदर हम 1/4 कप गोले का बुरादा डालेंगे, इससे हमारी बर्फी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब हम इस गोले के बुरादे को काजू और मखाने के पाउडर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। आइए अब बर्फी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 300 ml दूध डालेंगे और उसको हल्का सा गर्म करेंगे। दूध के हल्के से गर्म हो जाने के बाद अब हम एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसका घोल बना लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से एक तो बर्फी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और दूध की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मिल्क पाउडर बिल्कुल अच्छे से घोल दिया है। अब इसको हम दूध के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर दूध के अंदर बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। अब इसके अंदर हम 1/4 कप चीनी डालेंगे। जो हमारे फ्रेंड्स डाइट कॉन्शियस है, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो इसकी जगह शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1/3 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि चीनी दूध के अंदर बिल्कुल अच्छे से घुल जाए और इलायची पाउडर से भी हमारी बर्फी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दूध के अंदर चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है। अब इसके अंदर हम मखाने और काजू का पाउडर डालेंगे। दोस्तों, मखाने की बर्फी बनाते हुए अगर आप नॉनस्टिक का बर्तन लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि बर्फी वाला पेस्ट आपके बर्तन से बिल्कुल भी ना चिपके। अब हम दूध के अंदर मखाने का पाउडर बिल्कुल अच्छे से तब तक मिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि इसका पाउडर बिल्कुल अच्छे से पककर इसका पेस्ट पूरी तरीके से नहीं बन जाता, जब तक ये एक दूसरे के साथ बनना शुरू नहीं हो जाती। दोस्तों, यहाँ पे हमारे को बर्फी के घोल को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है और इसको लगातार चलाते हुए एक दूसरे के ऊपर पलटते हुए इसको पकाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, बर्फी का पेस्ट एक दूसरे के साथ बनना शुरू हो चुका है। इसको वैसे ही हम लगातार चलाते रहेंगे और इसको अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर कितना ज्यादा स्मूथ है। इसको हम ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे और ये अपने आप ही पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये बिल्कुल आटे की तरह गुथना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे को गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं रखना है, नहीं तो इसके ऊपर की स्किन जल जाएगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि बर्फी के मिक्सचर ने पैन को पूरी तरीके से छोड़ दिया है और ये अच्छे से एक दूसरे के साथ बनने लगा है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा देर पकाएंगे तो ये इसके ऊपर की स्किन ब्राउन हो जाएगी। अब हम बर्फी के मिक्सचर को प्लेट पे डालेंगे और उसको अच्छे से फैलाना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे प्लेट के ऊपर मिक्सचर डालने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसकी ग्रीस कर दिया था ताकि बर्फी उतारते वक्त वो बिल्कुल आसानी से उतर जाए। अब हम मिक्सचर को फ्लैट पलटे की सहायता से बिल्कुल इसकी पतली लेयर सी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बर्फी के मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए पिस्ता डालेंगे और इसको अच्छे से गार्निश करेंगे।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पिस्ते को बिल्कुल अच्छे से बर्फी के ऊपर फैला दिया है। अब हम पलटे की सतह से इसको हल्का सा दबाएंगे ताकि पिस्ता बर्फी के साथ बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। दोस्तों बर्फी को केसर और पिस्ते के साथ अच्छे से गार्निश करने के बाद अब इसको हम काटना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम बर्फी को लंबे पीसेस में काट रहे हैं। आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं, चाहे वो तिकोना हो या चकोर हो। दोस्तों हमने बर्फी के अंदर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाला है जो कि आप व्रत में नहीं खा सकते। आप इस बर्फी को नवरात्र में या किसी भी फास्ट में बनाकर आसानी से खा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बर्फी को काट लिया है। आइए मैं इसका एक पीस निकाल के भी दिखाती हूँ ये कितनी आसानी से निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों बर्फी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आइए मैं यहाँ पे आपको एक बर्फी तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है कि मुंह में ही जाते घुल जाए। इसको बच्चे और बूढ़े भी बड़े आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल कितनी सॉफ्ट बनी है, जैसे मावा होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।